हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आप सबको रक्षाबंधन का बहुत 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 शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ कि आप आज सुबह से बहुत एंजॉय किए, आप लोग अपने आप ने दीदी के भाई के साथ एंजॉय किया। तो मेरा भी सुबह से एक्चुअली कनिष्क के पापा का ऑफिस था तो वो ऑफिस चला गया था, ननद रहती है तो ननद के घर जाऊंगी आज। अभी अभी बज रहा है 4:30, तो अभी जा रहे हैं ननद के घर और ननद मेरे हस्बैंड को राखी बांधेंगे। वो ऑफिस से जल्दी जल्दी आ गए थे तो अभी जाएंगे और वहाँ पे मेरी सास भी, या सास भी मेरी मेरे बेटे को राखी बांधते हैं और मैं मेरी नंदोई को, तो वो मेरी भाई जैसा ही है लेकिन बड़ा है मुझसे बहुत, लेकिन फिर भी हम नंदोई को राखी बांधते हैं। तो चलिए आज राखी के दिन आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इंजॉय करिए और मेरे साथ रहिए। और जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उन लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक्स। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और नए लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। तो चलिए मेरे साथ आज राखी के दिन आप लोग रहिए, इंजॉय करते रहिए। चलिए हम रास्ते में आ गए हैं और देखिए बाहर कितना भीड़, रास्ते में कितना जैम है। देखिए पूरा फ्लाईओवर एकदम भरा भरा है और ऊपर से अगर दिखा पाते नीचे तक तो बहुत ज़्यादा। आज राखी है तो पूरा दिन, पता नहीं कब तक, कल 11 बजे तक राखी है तो बहुत ज्यादा भीड़ है। तो हम लोग आ गए हैं अपनी ननद के घर, तो देख लीजिए हमने पहले भी आप लोगों को दिखाया, हमने यहाँ पे बहुत सारा अच्छा अच्छा पेड़ पौधे है तो ये यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी ज़्यादा है हमारे वहाँ से, हमारे वहाँ में भी बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे भी है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो देखिए अंदर आते ही पोगो कैसे हम लोगों को वेलकम करके लेके आए थे और अंदर आते ही कनिष्क के बगल में बिल्कुल बैठ गया है पोगो और अभी उसके कान में बहुत खुजली हो रही है तो आराम से खुजल रहे है वो अपना कान, और अभी मतलब सबके साथ सबके बीच में उसको बैठना है। तो हम लोग दीदी के घर में आ गए हैं और शाम होने वाले हैं, अभी देख लीजिए, अभी लाइट इसीलिए ज़्यादा नहीं लग रहा है। और अभी अभी हम लोग कास्टर्ड खाया है और बहुत ही टेस्टी, लेकिन सॉरी मैं कास्टर्ड का फ़ोटो उठाना, मतलब कास्टर्ड का वीडियोग्राफी करना भूल गई, तो लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है वही आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत दिखने में भी बहुत सुंदर हुआ था। तो अब इसमें एप्पल है, फिर बनाना है, मैंगो है, बहुत टेस्टी बना है कस्टर्ड। खाने की तैयारी चल रहा है, प्याज छिल रहा है दीदी। और यहाँ पे देखिए मिस्टर पोगो क्या कर रहे हैं, वो बिस्तर पे बैठ के, मतलब सबके साथ उसको बैठना है, सब जहाँ पे कनिष और उसके पापा है और कनिष के ठम्मा है, सबके बीच में उसको बैठना है। ठम्मा वहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे इस साइड कनिष के पापा बैठा है और उस साइड कनिष के एकदम बॉडी से टच करके उसको बैठना है। सो रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे प्यार करो, मतलब बहुत एकदम इंसान जैसा, इतना क्यूट है ना पोगो। पोगो को लेके हम बहुत मजाक करते हैं, आप लोगों को बहुत बार दिखा चुके हैं पोगो को, तो वो मतलब बहुत ही क्यूट है। तो ये देखिए आ गए हैं चाय। चाय हम लोग बिना चीनी का पीते हैं, लिकर टी, और बहुत सारा स्नैक्स भी है जो बहुत ही टेस्टी थे, तो हम लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अभी और इसीलिए आप लोगों को दिखाया अभी। फिर तो देखिए अभी आ गए हैं राखी का, सॉरी मैंने भाई फोटा बोल रही थी, राखी का थाली। तो देखिए कनिष्क के नानी कनिष्क को टीका लगा रही है और अभी उसको बस राखी बांध देंगे।
तो यही कनिष तो बहुत ही खुश है। और देखिए मतलब राखी के प्लेट में आप लोग देखा ही है, वहाँ पे बालूशाही है, फिर दीदी ने बनाए हैं उसको बीट का हलवा, तो वो भी बहुत टेस्टी बना था, और रसगुल्ला है। तो देखते हैं कनिष क्या खाते हैं। कनिष को चूज़ करने के लिए बोल रहा है उसके थम्मा, तो अभी वो खा रहा है रसगुल्ला, उसको पसंद है क्योंकि छोटा है ना, और रसगुल्ला छोटा है तो मुँह के अंदर चला जाएगा पूरा, तो उसको पसंद भी है रसगुल्ला। और अभी कनिष अपने थम्मा को गिफ्ट दे रहे हैं तो और थम्मा भी उसको एक बहुत अच्छा टी शर्ट दिया है, तो कनिष तो बहुत ही खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि गिफ्ट मिलने से किसको खुशी नहीं होती। अभी देखिए अभी ये दीदी भी आ गया है, ये इसका नाम है अपराजिता, जो दीदी के घर आए थे, तो बहुत ही अच्छी लड़की है ये। ये हमारे रिलेटिव नहीं है लेकिन अचानक से आए और इतना हम लोग को अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी है ये। तो इस कनिष ने इसको दीदी बोला, तो इन्होंने भी राखी बांधा कनिष को, फिर खिलाया, फिर चॉकलेट्स दिया, तो बहुत ही प्यार दिया। और आज कनिष को तो एकदम इतना प्यार मिल रहा है और बहुत ही खुशी है उसको, दो दो राखी बांध लिया। और अब जो कनिष जब छोटा था ना, बिल्कुल राखी बांधना नहीं चाहता था क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि राखी का मतलब क्या होता है, वो सोचते थे कि क्या बांध रहा है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज वो बहुत ही खुश है और मतलब उसको अच्छा लग रहा है, एक स्पेशल फील हो रहा है। और फिर दीदी का भी, कनिष का राखी बांधना हो गया, अभी मेरी बारी है, मैं दादा मुनी को राखी बांधूंगी। और मैं भूल भी गई थी कि कौन से हाथ से लगाते हैं, लेकिन बस सबने बोला कि जो कर रहे हो वैसे ही करो, टीका लगाओ और अच्छे से। हम लोग ना दही और काजल का टीका लगाते हैं और थोड़ा सा चंदन भी होता है उसमें, तो दही चंदन और काजल का टीका लगाते हैं, तो उसका ही टीका लगाया। और दादा मुनि को बस राखी मैंने बांध दिया, तो दादा मुनि को मैंने दो दो राखी बांधी, एक भगवान जी से लेके बांधी क्योंकि दादा मुनि का तबीयत ठीक हो जाए। हम लोग सब यही करते हैं कि आप लोग भी बस दुआ करिए कि दादा मुनि का तबीयत ठीक हो जाए, उसका थोड़ा सा तबीयत में थोड़ा सा सुधार, वो ठीक है लेकिन थोड़ा सा और अच्छे हो जाए, तो इसीलिए दो दो राखी बांधी हमने। तो यही मेरा तो हो गया राखी बांधना, अभी दादा मुनि की बारी है। दादा मुनि कौन सा मिठाई पसंद करेंगे, दादा मुनि को तो मतलब फेवरेट है बालूशाही, तो उन्होंने बालूशाही चूज़ किया, तो मैंने बालूशाही खिलाया दादा मुनि को। और अभी मैंने प्रणाम कर लिया अपना और दादा मुनि को गिफ्ट मैंने दे दिया। इस बार दादा मुनि को मैंने स्पोर्ट्स शर्ट और टी शर्ट और पैंट दिया है, जो दादा मुनि पहन के मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। और देखिए पोगो इधर घूम रहा है, पोगो को कुछ नहीं, कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा है, किसी ने पोगो को टीका नहीं लगाया, किसी ने राखी नहीं बांधा, तो पोगो बहुत दुख है। और अभी मेरे हस्बैंड की बारी है, हस्बैंड को तीन राखी बांधेंगे क्योंकि तीनों दीदी है यहाँ पे, तो पास में बॉर्डी रहती है लेकिन और दो दीदी, जो बीच वाली दीदी है वो कोलकाता में रहते हैं और जो छोटी वाली है वो बाहर रहती है, तो इसीलिए सबके नाम का राखी बॉर्डी बांध रही है मेरे हस्बैंड को। तो ये मेरे हस्बैंड का भी हो गया, और आप लोगों को पता ही है कि मेरे हस्बैंड कैमरा में नहीं आना चाहते हैं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा सकती आप लोगों को। तो गिफ्ट भी देना हो गया, बाद में आप लोगों को दिखाएंगे गिफ्ट क्या मिला है। अभी आ गए हैं डिनर टेबल पे, डिनर में भी बहुत ग्रैंड डिनर हो रहा था एक्चुअली। पहले अभी यहाँ पे तो आ गया है, इसको क्या बोलेंगे, दाल चावल, हम बंगाली का चावल फेवरेट है, माछ भाजा मतलब फ्राइड फिश, और था आलू भाजा, और था कुदरू भाजा, कुदरू का जो फ्राई होता है ना वो। और यहाँ पे देखिए कनिष बैठ गया है, और ये अपराजिता भी बैठ गई है, और ये देखिए इसको बोआल मछली बोलते हैं, इसके इस मछली का नाम है बोआल माछ, ये बहुत ही टेस्टी होता है लेकिन मैं नहीं खाती। और ये है चिकन, एक रेजाला टाइप का दीदी ने बनाया था, बहुत ही अच्छा। तो हम लोग का खाना हो गया और अभी हम जाने के टाइम हो गए हैं, और देखिए अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आज जाना ही है क्योंकि कल फिर से स्कूल ऑफिस सब शुरू हो गया है। और
आज बहुत रात हो गया है, 11:30 बज गया है, फिर भी हम निकल गए क्योंकि रात को जाना है। और रास्ता देखिए कितना ब्यूटीफुल है, 15 अगस्त आने वाले हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल रोड्स है। दिल्ली का रास्ता नोएडा एक्सप्रेसवे, सॉरी यमुना एक्सप्रेसवे बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इतना गाड़ी था रास्ते में क्योंकि सब लोग आना जाना लगा ही रहा था। तो चलिए मेरा ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। राखी का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट पे बताइएगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए रात के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग वेरी सून।